हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी ग्रामर, और उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मतलब इसे हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। तो इसमें हम पहले विराम चिन्ह की डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद उसके टाइप भी यहाँ पर देखेंगे। तो ये पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी देखिए, विराम का अर्थ क्या है कि रुकना। मतलब जब भी हम किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, तो जाते वक्त कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा रुकते हैं ताकि हमारे जो ट्रैवलिंग हो वो हमें उससे हमें तकलीफ ना हो। तो उसी तरह से जो सेंटेंस रहते हैं, वो सेंटेंस पूरा हम काफ़ी लंबा सेंटेंस हो तो हम पूरा उसे पढ़ नहीं सकते, इसलिए बीच बीच में हमें सेंटेंस पढ़ते समय थोड़ा सा रुक रुक के सेंटेंस हमें पढ़ना पड़ता है। मतलब पढ़ने से हमें काफ़ी आसानी होती है। तो विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर रुकने का संकेत करने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इस तरह से विराम चिन्ह की डेफिनेशन है। और विराम चिन्ह के जो टाइप्स है वो देखिए, विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह कई तरह के होते हैं। यहाँ हम केवल निम्नलिखित चार विराम चिन्ह के बारे में ही पढ़ेंगे। फोर जो मेन टॉपिक्स है, मेन जो उसके टाइप्स है विराम चिन्ह के, वो हम पहले यहाँ पर देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, और चौथा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। अभी ये जो फोर्थ पॉइंट जो है उसके जो टाइप्स है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला जो है पूर्ण विराम, मतलब पूर्ण विराम किसे कहते हैं? वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम होता है। मराठी में जब भी वाक्य कंप्लीट होता है तो लास्ट में हम डॉट लगाते हैं, और हिंदी में जब वाक्य कंप्लीट होता है तो इस तरह के स्टैंडिंग लाइन लगाई जाती है, तो उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं। एक वो सेंटेंस है, आकाश में तारे चमक रहे हैं, और हमारा जो सेंटेंस है कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर हमने पूर्ण विराम दिया। और एक एग्जांपल देखते हैं, गरिमा विद्यालय जा रही है, वाक्य हमारा कंप्लीट हुआ, यहाँ पर पूर्ण विराम दिया। ठीक है, सेकेंड जो है विराम चिन्ह का प्रकार है वो है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब क्या है कि बोलते या पढ़ते समय हम जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाए जाते हैं। ठीक है, अल्प विराम का साइन किस तरह से है, और अल्प विराम के कुछ उदाहरण देखते हैं। जतीन बाजार से दूध, ब्रेड, फल और सब्जी लाया। देखिए, दूध, ब्रेड, फल, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर दिए हैं तो एक जैसे है, तो इसलिए इनके बीच बीच में क्या लगाया है? स्वल्प विराम लगाया है, अल्प विराम लगाया। स्वल्प विराम मराठी में कहते हैं, अल्प विराम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, आज मैंने आम, केला, सेब और संतरा खाया। ठीक है, थर्ड जो है विराम चिन्ह का टाइप जो है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, धीरज तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही आएगा, एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते, क्यों नहीं चलते, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और लास्ट जो फोर्थ नंबर का जो टाइप है वो है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह मतलब किस तरह से आता है, स्टैंडिंग लाइन रहती है और उसके नीचे डॉट रहता है। अभी ये चिन्ह कब लगाया जाता है? जब खुशी होती है, हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। मतलब हमारे जो भावनाएं हैं वो प्रकट करने के लिए, चाहे दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, आश्चर्य हो, उनको प्रकट करने के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अरे यह क्या ले आए, अरे हमने आश्चर्य से पूछा तो अरे यह इसके आगे क्या हुआ, अरे इस वर्ड के आगे यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया। आगे है वाह, कितना बड़ा भवन है, वाह आश्चर्य से देखा है हमने, तो यहाँ पर वाह के आगे ये विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में, इस लेसन में हमने यहाँ पर क्या देखा कि विराम का अर्थ है रुकना। लिखते समय रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह के प्रकार है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह आदि।
तो ठीक है, इस तरह से ये जो चैप्टर है वो हमने यहाँ पर देखा है विराम चिन्हों का। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा, समझ में आए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।